एक्शन। तो दोस्तों, मैं इस झापड़ के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। मैं आपका दोस्त मैडी और मेरी ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल युग ब्लॉग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं लोकेशन पे। लोकेशन बहुत प्यारी है, पर मेरी रीटा दी से नहीं। तो चलिए पहले रीटा दी से मिलते हैं अंदर चल के। ये है काट का भागने वाली औरत। हमारे यहाँ पे एक न्यू हीरो आए हैं और उनके शेरानी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। एक मिनट काम करनी तो 1900 सन बताने को ना। 86 बाप रे तो चलिए दोस्तों, रीटा जी को तो हमने सुन ही लिया है। तब तक मैं आपको अंदर की लोकेशन का भ्रमण करवाता हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही आलीशान जगह जहाँ पर हमने शूट किया है। और हाँ, हो सके तो आप भी घूमने आ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको बाहर का आवरण दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमारे भाग के गाने में अलग अलग लोकेशन तो रहती है, पर हाँ लोकेशन भी लाजवाब रहती है, जो कि यहाँ आसपास कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो आपको इस लोकेशन का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। यह है बाथरूम, और बाथरूम के बाद में ये हॉल, और हॉल के बाद में मैं और भी सारे मास्टर बेडरूम वगैरह वगैरह मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो चलिए शर्मा जी, जब तक फोन देखते मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बाहर का व्यू भी एकदम महल जैसा है। देखिए भाई साहब, कितना जबरदस्त व्यू है, और गेट ऐसा बड़ा जैसे राजमहल का कोई गेट दरबार हो। तो चलिए इसके साथ साथ मैं आपको आगे का भी व्यू अंदर से दिखाता हूँ। वो शायद मैंने दिखा भी दिया, फिर भी एक बार और आपको छोटा सा व्यू दिखाऊंगा जो कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, ब्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।